गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल माय लवली स्टूडेंट. डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल वेलकम्स यू ऑल इन द वर्चुअल क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10. स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. This is a fresh topic, but in the last Zoom class we have done one topic, that is the division of sectors as organized and unorganized. We have started this topic in the last few minutes of the Zoom classes, so we are going to study this topic in the very detail. As some students did not attend the class and maybe they are not able to understand on the Zoom class because of the network connection. So we'll have a quick recap of this topic first, right? So let's start our class with a short prayer. So I request you all to join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord. Thank you. And keep blessing on us. Okay, so let's start our class, that is the organized and the unorganized sector. As the name suggests, the organized sector, I hope you all are aware about the story of the Kanta and Kamal, which we have done earlier. See, so first I'll give you an example, then we'll start the definition. See, students, if you are able to see the blocks, first I'll put like this. ये अगर आप देख रहे हो तो ब्लॉक्स जो है प्रॉपर लगे हुए हैं, राइट, दे आर इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अगर आपको वैसे दिख रहा हो, सो द ब्लॉक्स आर इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर. इनमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे साइज का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, दे आर इन अ वेरी प्रॉपर वे. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक्स है, ठीक है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हमारा ऐसा ही सेक्टर होता है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली मैनेज्ड है, ठीक है. नाउ कम ऑन द डेफिनेशन. इन दिस सेक्टर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दिस सेक्टर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. सबसे पहला तो आता है रेगुलर, एंड पीपल हैव इंश्योर्ड वर्क. इंश्योर्ड वर्क यानी कि इन दिस सेक्टर द वर्क इज ऑन द रेगुलर बेसिस, लाइक वी गो इन द स्कूल, वी गो इन द ऑफिस, वेयर एवर वी वर्क, राइट. और इंश्योर्ड वर्क यानी कि उनके पास श्योरली वो काम है. The activities are registered by the government. The main point क्या आता है यहाँ पे, जो ये register की जाती हैं ये government के through करी जाती हैं, कोई एक particular businessman या कोई private sector से नहीं की जाती. And one has to follow the rules and regulation. If the person is working in the government sector, then that person has to follow the rules and regulations which are given in the various laws. जो हमें various laws में गिवन भी होता है ऑलरेडी, जैसे कि आपकी मैटरनिटी लीव्स होती है फॉर द विमेन्स, या आपकी सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, मतलब विच द लॉज विच आर मेंशन्ड इन बाय द गवर्नमेंट, ओके. द वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऐसा नहीं है कि सीएमएस की एग्जाम्पल को दोबारा लेकर आते हो, तो ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं कभी भी हम ऐसे निकाल के फेंक देंगे. नो, वी आर हैविंग द मतलब सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की, दैट इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर देन आर जॉब इज सिक्योर, वी हैव अ जॉब सिक्योरिटीज. दैट्स अगर आप लोगों ने सुना भी होगा तो लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर इज बेटर, गवर्नमेंट सेक्टर इज बेटर, गवर्नमेंट में जॉब लग जाए. क्यों? बिकॉज दे हैव द सिक्योरिटी ऑफ दर जॉब, दे आर रेगुलर, इट्स रजिस्टर्ड. सो उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कआउट करना चाहते हैं, राइट. आई होप इट इज क्लियर विद द एग्जाम्पल एंड विद द डेफिनेशन. सो नाउ लेट्स कम टू द अनदर वन, दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है. अब हमने पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल लिया था, तो अब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं. सी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर मैं अब आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको बना रही हूँ, ठीक है ना, आई एम ट्राइंग टू मेक दैट ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बनाने की कोशिश कर रही हूँ. सी, आपको अभी ये दिख रहा होगा कि दे आर नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड. किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, कोई इधर है, कोई उधर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. तो दैट इज नोन एज अ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट. सो इसी को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, जिसमें कुछ भी प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं होता.
to the small and the scattered units, which are mostly outside the control of the government. Outside control of the government and scattered. Scattered means अलग अलग होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और इसमें government का कोई भी role नहीं होता. Comes under the unorganized sector. ठीक है, comes under the unorganized sector. Though they do have rules and regulations, but these are not followed. Although इनके भी rules and regulations होते हैं, लेकिन ये proper follow up नहीं होते. Workers in the unorganized sector do not enjoy the security of employment. They do not enjoy the what? The security. यहाँ पे कोई security नहीं होती employment की कि हाँ इनकी job है वो permanent है या नहीं है. आप उसे मैं इसमें example लेते हैं हमारी maids का. ठीक है, एवरी वन इज हैविंग मेड्स इन देयर हाउस. ऑल्दो उनका एक रूल होता है कि आपको महीने में एक छुट्टी मिलेगी या दो छुट्टी मिलेगी, लेकिन वो अपनी मर्जी से कभी भी छुट्टी ले लेती है, राइट. फिर उनके टाइमिंग्स, उन्हें बोलो कि मॉर्निंग 7 o'clock आना था, दे नेवर कम, दे विल कम 1 hour और 1.5 hour लेट. और अगर आप उन्हें बोलोगे कि आपको लेट आना है तो वो हमेशा जल्दी आएंगी. ठीक है, और डिपेंड्स अपॉन योर मूड. आज आपका मूड ठीक नहीं है या आपको उनका काम पसंद नहीं आया तो कह देना कोई जरूरत नहीं है कल से आने की, हमें नहीं चाहिए, हम कोई और रख लेंगे. या वो आपको कह देंगे कि भाई मैं तो कल से नहीं आऊंगी, मुझे और नए घर मिल गए हैं तो मैं नहीं आऊंगी. सो दीज आर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है आपकी जॉब की. ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक through the story of Kanta and Kamal, which is already mentioned on the page number. I'll forget to mention the page. I hope you will aware. ये आपकी NCERT book में mention है story of Kanta and Kamal की. So Kanta और Kamal क्या है? There are two persons. One is Kanta, who is a teacher and who is working in the organized sector. मतलब who is working in a school and she is very regular. वो रोज अपने school जाती है and she got a leave once a week. और उन्हें हफ्ते में एक बार छुट्टी भी मिलती है. Salary इनकी time पे आती है. She enjoyed some medical benefits also, pay leave जिसे हम बोलते हैं. और मतलब she follows all the rules and regulations and basic point is she enjoy the security of the job. उनकी job security है कि जहाँ पे वो work कर रही है वो job उनकी secure है, right? And on the other hand Kamal is there. Kamal क्या है? Kamal is working in the grocery store. He's work in the grocery store and she works in a school. ठीक है, तो ग्रोसरी स्टोर में क्या होता है कि कोई टाइमिंग्स नहीं है इनके कि सुबह कभी भी बुला लेते हैं. समटाइम्स ही वर्क्स अराउंड 12 आवर्स. अगर कोई नेक्स्ट डे फेस्टिवल है तो यूजुअली वी ऑल नो दैट कि ग्रोसरी स्टोर्स पे बहुत काम होता है, तो ये वहाँ पे लेट भी बहुत ज्यादा काम करते हैं. और इनको डेली वेजेस मिलता है, मतलब दिन के इनके पैसे होते हैं, इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, मतलब फ्लक्चुएट करती रहती है. और मतलब जैसे इनका ओनर कहता है तो ये वैसे काम करते हैं. तो इट इज वेरी क्लियर कि दैट कांता इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. यहाँ में बिल्कुल समझ में आना कि दैट शी इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट. और ये कहाँ वर्क कर रहे हैं? ही इज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया. यहाँ पे एक बड़ा मजेदार एग्जांपल है कि सपोज इनके जो ओनर हैं वो अपनी वाइफ से सुबह सुबह घर से लड़कर आए. ठीक है, तो उन्हें ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है और ऊपर से कमल ने जो है बहुत डार्क कलर की या कह लो कि येलो कलर की शर्ट पहनी जो आंखों में चुभता है कलर. ठीक है, तो जैसे इनके मालिक ने इसे देखा, भाई ऑलरेडी तो ऑफ था बिकॉज अपनी वाइफ से लड़कर आए थे, तो जैसे ही कमल उनके सामने आते हैं एकदम से डांट देते हैं. ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं कल से आने की, मतलब मुझे तो मैं नहीं रखना और निकल जाओ तुम जॉब से. तो व्हाई? क्योंकि ही इज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ओनर इज द होल सोल ऑफ द जॉब. अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कमल को रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, और मतलब क्यों निकाल दिया. कोई वैलिड रीजन नहीं था. सबसे बड़ी बात कि कोई वैलिड रीजन नहीं होता इन्हें निकालने का. ठीक है ना, तो जब हमारे पास कोई वैलिड रीजन ही नहीं है तो यहाँ पर हम जॉब सिक्योरिटी जो है वो एंजॉय नहीं करते. सो आई होप विद द एग्जांपल ऑफ द ब्लॉग्स एंड विद द स्टोरी ऑफ दिस कांता एंड कमल इट इज वेरी क्लियर टू यू कि which the organized sector and which is the unorganized sector. यहाँ से नेम से भी आपको सजेस्ट हो रहा है कि ऑर्गेनाइज यहाँ पे प्रॉपर आपका मैनेजमेंट फॉलो होता है. ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट है वो है ही नहीं. ठीक है ना, मतलब प्रॉपर आपका मैनेजमेंट अवेलेबल ही नहीं है. अवेलेबल इन द सेंस कि भाई जब ओनली वन पर्सन इज देयर हु इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो मैनेजमेंट कहाँ से होएगा. ठीक है ना,
He's the only one, but he's means ki da, he's the owner of the shop. He's the one who is controlling each and everything. तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो नाउ लेट्स कवर द डिफरेंस बिटवीन, एंड इट्स वेरी इजी, अब आपको पता चल जाएगा. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी. वी ऑल नो दैट कि वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी होती है, जैसे कांता की है एज शी इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल. वर्कर्स डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. जैसे अभी एग्जाम्पल में लगी, अपने वाइफ से लड़कर आया तो उन्हें एकदम से निकाल दिया. वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी, इन्हें रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है. एंड द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे आर गेटिंग द डेली वेजेस, इन्हें रोज का भत्ता जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, कि रोज की इनकी 100 पीस 200 पीस जो भी पर डे का फिक्स होता है उसके हिसाब से उन्हें वेजेस मिलती है, ठीक है. रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड हेयर, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं कि उनका ड्रेस कोड है, आपको साड़ी नहीं आना है, आपको सुबह 9 o'clock आना है, 3 o'clock तक जाना है, 12 बजे लंच होएगा आपने तभी लंच करना है, ठीक है. रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड हेयर, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो होते. क्या होता है कि दोपहर को 12 से 2 बजे तक पता होता है कि कस्टमर थोड़ा कम आएगा, चलो ठीक है अब लंच कर लो, या फिर उन्हें पता है कि 2 से 4 नहीं आते तो अब लंच कर लो. ना प्रॉपर लंच का टाइम है, ना आने का, ना जाने का, कोई छुट्टी नहीं, नथिंग. यहाँ पे क्या है, वर्कर्स गेट बेनिफिट लाइक पीएफ, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट सेक्टर. यहाँ पे उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. पीएफ स्टैंड फॉर द प्रोविडेंट फंड, लाइक पेड लीव. अब पेड लीव का मतलब कि अगर छुट्टी लेते हैं तो उसके भी पैसे मिलते हैं. मेडिकल बेनिफिट सेक्टर, मेडिकल बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे कि लाइक सपोज मैं आपको फीमेल का एग्जाम्पल देती हूँ. मेटर्निटी लीव का मतलब होता है द टाइम पीरियड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ बेबी. तो उन्हें 6 months की मेटर्निटी पेड लीव मिलती है, या सपोज मतलब इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम तो भी उन्हें पेड लीव मिलती है. एंड वर्कर्स डू नॉट गेट एनी सच बेनिफिट्स. यहाँ पे तो क्या होता है कि अगर फोन करके बता दिया कि भाई मैं आज नहीं आऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है मैं आता हूँ, तुम्हारे आज के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे. वर्किंग आवर्स आर फिक्स है, यहाँ पे वर्किंग आवर्स होते हैं वो प्रॉपरली फिक्स होते हैं, आप उससे ज्यादा या उससे कम काम मतलब नहीं कर सकते. यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स हियर, समटाइम्स वर्कर्स वर्क फॉर 10 to 12 hours स्ट्रेट. यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होते हैं, कभी कभार जो होते हैं वर्कर्स यहाँ पे 10 से 12 घंटे भी लगातार काम करते हैं. यूजली आपने कहा दिवाली का टाइम हो गया या होली का, तो यहाँ पर शॉप होता है सुबह सुबह 7 बजे दुकान खोल जाते हैं, अरे उसकी तरह आपको 10 बजे तक दुकान खुलेगी और आपको 10 बजे लाएंगे तो बहुत भीड़ होगी. तो ये सारी चीज होती है कि यहाँ पर टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता. इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है. फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स मतलब कि एवरीथिंग गोज विद अ फॉर्मल इन द प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू होता है सब कुछ. एंड देयर आर नो फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर हियर. जे सपोज वन पर्सन इज वर्किंग इन एनी ऑफ द शॉप, ठीक है, किसी शॉप पे काम कर रहे हैं एंड बाय चांस वो बहुत टाइम उन्होंने काम करा, ओल्ड एज तक उन्होंने वही काम करा, अब उसकी डेथ हो गई है, तो वो क्या करते हैं कि उसका बेटा आता है, कहते चल हम इसको जानते हैं तो या जाए हमारे पास. बट गवर्नमेंट सेक्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां पे तो प्रॉपर आपके फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं. फिर क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल. ऑब्वियसली सी बात है कि भाई सब कुछ हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी है, रेगुलर मंथली सैलरी मिल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर है, वर्कर्स को बेनिफिट्स मिल रहे हैं बहुत सारे, लाइक जैसे पीएफ हो गया, पेड लीव हो गई, मेडिकल बेनिफिट्स हो गया. वर्किंग आवर्स जो है वो हमारे फिक्स है यहाँ पर, फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर है, तो देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि वर्किंग कंडीशंस यहाँ पे फेवरेबल है. बट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हम दोबारा से ऊपर से सारे पॉइंट्स रिपीट करें, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, डेली वेजेस मिलती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, वर्कर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, कोई फॉर्मल प्रोसीजर कुछ नहीं होता, तो वर्किंग कंडीशंस जो यहाँ पे होती हैं दैट्स आर नॉट फेवरेबल. कोई भी यहाँ पे काम करना नहीं चाहेगा, उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी, या एवरीवन विल लाइक टू वर्क इन अ प्लेस जहाँ पे आपका हर चीज प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होता हो, राइट. सो हर कोई वहां पे काम करना चाहेगा. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट. इज इट क्लियर टू यू नाउ? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंसेज. आई होप आप सब लोगों को डिफरेंसेज दिख रहे हो. आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए जल्दी से एंड नोट डाउन द प्रॉब्लम्स इफ यू आर हैविंग इन एनी ऑफ द पॉइंट सो दैट वी कैन डिस्कस अस लेटर ऑन.
ओके सो ये टॉपिक था जो हमने अपनी जूम क्लास में डिस्कस करा था अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब ये देखो मैं चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ टॉपिक, बिकॉज हमारा थोड़ा सा काम इसी पे से शुरू होता है. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हमने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया. अब जो वर्कर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उन्हें हम प्रोटेक्ट कैसे करें. सी वी आर हैविंग अ वेरी वी ऑल आर हैविंग इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, मीन्स हमारी पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, ठीक है. इंडिया जो है वो वैसी एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यानी कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, इसे डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उन वर्कर्स को बचाना है जो वर्क कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में. अब कैसे उन्हें बचाना है ये चीज हमें देखनी है, ठीक है. सबसे पहली बात तो जो वर्कर्स होंगे वो दो एरिया में वर्क करेंगे, एक तो रूरल एरिया में, एक अर्बन एरिया में, ठीक है. बट उससे पहले क्या करना है हमें, चैलेंजेस ऑफ शिफ्ट ऑर्गेनाइज्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड. चैलेंजेस ऑफ शिफ्ट ये बड़ा एक अच्छा सा पॉइंट है. देखो क्या होता है कि हैव यू हर्ड अबाउट द सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम होता है आपके, कि सुबह की शिफ्ट किसी और की होती है और शाम की शिफ्ट किसी और की होती है. तो हमें यही देखना है, ठीक है ना. ये क्या होता है कि दोज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, इवन तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी शिफ्ट के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके आवर्स फिक्स जो, ठीक है, कि भाई एट आवर्स किसी और की है, एट आवर्स की किसी और की है, तो ऐसे काम करेंगे आप, ठीक है. तो ये तो इजी हो गया. बट दोज आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे आप अपनी कॉलोनी के बाहर ही देख लो कि सिर्फ जो बॉडी गार्ड जो आपका वॉचमैन है या जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है वो सिर्फ रात को आता है, रात को 9 बजे आता है या 10 बजे आता है और सुबह 5 बजे चला जाता है. तो ऐसा थोड़ी ना है कि 5 बजे के बाद लेके 5 बजे से लेके सुबह रात के 9 बजे तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, या फिर हम उन्हें ही अंकल को बोले जो भी द वन हु इज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड कि भाई 24 घंटे आप ही काम करो, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता. तो हमें ना शिफ्ट्स में काम करना चाहिए, मतलब हम ये कोशिश कर सकते हैं कि द सैलरी विच वी आर गिवन टू अ वन पर्सन फॉर 24 आवर्स, अगर हम वो सैलरी डिवाइड करके 2 पर्सन को दे दें, उससे क्या होगा कि जो हमारी एक वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम है वो हमारी दूर हो जाएगी. कि एक ही पर्सन को 12-12, 14-14 घंटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, उससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे सेंस कि उस पर्सन की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा. एंड वी ऑल नो दैट कि अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है. आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स याद आ रहे हो जो आपने 9th क्लास में पढ़े. तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो हेल्थ पे भी डिपेंड करती है. एक बंदा आपके यहाँ पे 6 महीने लगातार काम कर ले और उसके बाद वो बीमार पड़ जाए अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है. तो हम उस पर्सन की जो सैलरी हम एक को दे रहे हैं वो हाफ करके 2 पर्सन में डिवाइड कर दें और शिफ्ट में लोगों को रख लें, उससे हमें भी बेनिफिट होगा और उस पर्सन को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, द वन हु इज वर्किंग विद अस, ठीक है. देन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, दे नीड प्रोटेक्शन. अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, दे नीड प्रोटेक्शन, ये क्या है. हाँ, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, दे नीड प्रोटेक्शन. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बात करी कि हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक पर्सन की सैलरी हम 2 में डिवाइड कर दें, भाई चाहे वो 2 भाई हो जाए, चाहे वो बाप बेटा हो जाए, कैसे भी हो जाए, हम उनको डिवाइड करके काम कर सकते हैं, ठीक है. एक हम ये कर सकते हैं कि दैट दे नीड प्रोटेक्शन, उनको हम प्रॉपर तरीके से जो उनकी वेजेस है डेली वेजेस ना करके उनको भी एक हम मंथली सैलरी प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना. अगर हम उन्हें मंथली सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सेव हो जाएगा. डेली बेसिस पे हो सकता है कि उनका कुछ भी सेव ना हो. देन जॉब सिक्योरिटी, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपके यहाँ पे रेगुलर 1 ईयर से काम कर रहा है और 1 ईयर में आपने उसको देख लिया कि वो पर्सन हमारे यहाँ पे जॉब नहीं छोड़ेगा, तो आप उसकी कुछ जॉब सिक्योरिटी उसको फिक्स कर दो कि अगर ठीक है भाई तुमने 1 साल हमारे यहाँ काम कर लिया है, अगर आप रेगुलर यहाँ काम करोगे तो हम हर साल आपके 500 रुपीज बढ़ा दिया करेंगे, या कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो आप उन्हें एक्स्ट्रा बोनस दे सकते हो. तो उनसे क्या होगा कि उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी जो उन्हें भी पसंद आएगी, ठीक है. तो हम ये सारी चीजें जो है उनके लिए हम कर सकते हैं. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये तो हम अपनी तरफ से करें. अब गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एकदम से तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा नहीं. तो हमें ये चीज देखनी है कि दोज़ हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, धीरे धीरे करके हम उन्हें कैसे
हम उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई आप गवर्नमेंट के लिए भी क्या, हमारे लिए भी होता है कि सपोज अगर हमें कोई चीज चेंज करनी है या कोई न्यू चीज ऑप्ट करनी है तो हमें भी टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट तो डेफिनेटली सी बात है कि टाइम थोड़ा ज्यादा ही लेगी इन सब चीजों को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। फर्स्ट पहले वी विल सी द रूरल एरियाज जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन होते हैं रूरल एरियाज में वर्कर्स? तो सबसे पहले एक तो हमारे लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं एंड आर्टिसंस होते हैं। लैंडलेस लेबर्स मीन्स जिनके पास लेबर नहीं होती, दोज आर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ अदर्स। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यानी कि बहुत छोटी छोटी, बहुत नाम मात्र जो हमारे फार्मर्स होते हैं जिनके पास नाम के लिए लैंड होती है। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स आर्टिसंस जो होते हैं। अब हम इन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स। अगर हम इन्हें एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड कर दें, कैसे? चीप क्रेडिट्स यानी कि चीप इंटरेस्ट पे, बहुत लो इंटरेस्ट पे अगर इनमें लोन प्रोवाइड करें, स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर हाउस की फैसिलिटीज होगी, जो भी इनका सामान होता है वो प्रॉपरली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर रिमेम्बर द इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट में ही आता है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। एंड द मार्केटिंग आउटलेट्स, इफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देन द मार्केटिंग आउटलेट्स, देन डेफिनेटली जो हमारे वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हम उन्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन द अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया के वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स हो गए, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट वेंडर्स, रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़ा चुगने वाले होते हैं ना, वो रैग पिकर्स होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो गली गली में आके सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, दोज हु आर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन, कैजुअल वर्कर्स, नॉर्मल वर्कर्स होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स हो गए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, या दोज हु आर वर्किंग इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सारे वर्कर्स हैं जो अर्बन एरिया में हैं, बट दे आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, तो अब इन्हें क्या कर सकते हैं? ये टारगेटेड प्रोटेक्शन, यानी कि हम टारगेट कर ले कि हमें किसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी, हमें इन द सेंस गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी कि हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल एक टारगेट बनाना होगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू टारगेट दीज काइंड ऑफ वर्कर्स फर्स्ट, और उसके बाद हम उनके लिए हेल्प करेंगे, देन स्लोली स्लोली वी मूव ऑन द अदर काइंड ऑफ वर्कर्स। ठीक है, दोज वर वर्किंग इन द अर्बन एरियाज। स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम, स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो होते हैं हमारे मतलब उस प्रोग्राम्स के अंडर हम उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज में डिवाइड क्यों करा? क्योंकि बिकॉज वी ऑल नो दैट कि लेबर जो होती है हमारी स्किल्ड होती है, अनस्किल्ड होती है, एजुकेटेड होती है, अनएजुकेटेड होती है। तो आप यहाँ पे अर्बन एरियाज में जो वर्कर्स को आप पाओगे, यूजुअली दे आर एजुकेटेड, और यहाँ पे यूजुअली वो वर्कर्स होंगे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, या दोज आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमने इसलिए इन्हें सेग्रीगेट कर दिया कि हम रूरल एरियाज के वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अर्बन एरियाज के वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे आज आपका फिनिश हो जाता है, एंड एट द लास्ट टुडे यू विल गेट वन असाइनमेंट ऑल्सो हैविंग द लास्ट टॉपिक ऑल्सो। उसमें लास्ट टॉपिक भी आपके इंक्लूड होगा, 15-20 क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस, और आंसर्स विल बी डिस्कस टुमारो इन द जूम क्लास। राइट, सो टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। राइट, सो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये हम जल्दी से अपनी जूम क्लास में फिनिश भी कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी ऑन टाइम इन द जूम क्लास, एंड प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर नॉट मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, सो आई रिक्वेस्ट, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट रेदर मतलब and other things it depends upon you how much you are taking your teacher seriously. So come on time for the new topic, that is the public and the private sector, and this is the last topic of this chapter. After that you will get the notes, question answers slowly, so that you can cover up all the things. Right, so thank you students, and stay home, stay safe, stay connected, and take care. Bye bye.